सर्वप्रथम उन लोगों से बात नहीं करना चाहता कि जो लोग सूरदास और अंधे के फर्क को नहीं समझ सकते, मैं ऐसे लोगों की भी बात नहीं करना चाहता। श्री अफजाल अंसारी जी अब बताने का कष्ट करें कि जो मंच का आसन जो होता है, जिस पर अध्यक्ष जिला पंचायत बैठती है या जिस पर अध्यक्ष जिला पंचायत का जो चेयर होता है, उस चेयर के पास उस समीप क्या किसी अन्य के चेयर लग सकते हैं? के बगल में आप अपनी कुर्सी लगाकर आप क्या बैठकर जो है, क्या ये जूरी बनी हुई है जिसमें कि आप कोई सजा सुनाने वाले हैं कि आप अगल बगल चेयरमैन के आसपास बैठ कर दो इधर बैठ गए दो उधर बैठ गए? कुर्सी तो एक होती है, वह जिला पंचायत के चेयरमैन का, और दूसरे बैठते हैं मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, जिनको सीडीओ कहा जाता है, अपर मुख्य अधिकारी बैठते हैं, उनके स्टाफ बैठते हैं। आप लोग वहां पर क्यों बैठते हैं? पंचायत कलंकित हो रही है। फिर उसमें से एक सज्जन जो मंत्री भी रह चुके हैं, वह सीधे तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि तुम लोग मान लो, नहीं तो जो अध्यक्ष जिला पंचायत चाहेंगी उसको पास करा देंगे। उस सज्जन को यह भी पता नहीं। मैं आपसे पुनः इस बात पर जोर देकर मैं कह रहा हूं कि श्री अफजाल अंसारी जी नहीं चाहेंगे तो सदन में प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। आपने जो धन का जो बंदर बांट किया है, उसके खिलाफ जो उन्होंने आवाज उठाई थी, उस पर आपको एतराज, क्या इस पर आपको एतराज नहीं है कि दो विधायकों के द्वारा जिलाधिकारी के सामने जो लोग परेड करने गए थे, वह आपके मंच पर बैठे हुए थे?